बीएलए बीएलएफ बहुत सारी जगह पर अटैक किया इन्होंने। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला, छुपकर हमले करते रहे। कई सौ ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज पंजाबी कहूंगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर। एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। अजीत दोवल साहब एक होते हैं हिंदुस्तान में जो कौमी सलामती के मशीर थे, अब रिटायर्ड हैं। उन्होंने एक सेल कायम किया है, डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन उसका, उसकी फंडिंग है हर साल भारत की हुकूमत की तरफ से। क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, कोई नुकसान पहुंचाए? जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाए, और देखें प्रॉक्सीज की जंग है। बीएलए और बीएलएफ जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है, सबसे करीबी जो हमारे हमसाये जो भारत, उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए ये गेम चेंजर है, विच इज ट्रू। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर ये कमीशन हो जाता है, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपने लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो, अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान के लोगों का कहना ये है कि जी वो बड़े नाराज हैं और काफी उन्हें शिकायतें हैं गवर्नमेंट से। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वैसे तो लगभग पूरे पाकिस्तान में ही, लेकिन खास तौर से अभी जो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए के सिपाहियों ने एक के बाद एक हमले करके लगभग 100-200 पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों, ISI के एजेंटों को मार गिराया है। हालांकि जिस पे पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि ये निहत्थे मासूम शहरी थे, लेकिन साथ साथ चूंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया बीएलए की आज़ादी को और उससे जुड़े लोगों को बदनाम करना चाहती है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया यह भी प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी है कि बीएलए के पीछे भारत का हाथ है, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के लोगों की खुद की यह एजिटेशन है, पाकिस्तानियों से तंग आकर के एक अलग बलूचिस्तान देश की मांग कर रहे हैं, जिसको कि पाकिस्तानी सरकार दबाना चाहती है। और रही बात भारत की, तो भारत तो वैसे भी उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका एक तो भारत से लगता नहीं है, और उसके साथ साथ यह भी देखा जाए कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी एक मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप है, जो कि एक पाकिस्तानी सोच रखने वाला ही है। लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एक तरह से कब्जा करके उसकी रिसोर्स को यूज तो किया है, लेकिन बलूचिस्तानी को कोई मदद नहीं किया है, इसलिए बलूची आज़ादी चाहते हैं। बुखारी साहब, बलूचिस्तान हालात हैं इस वक्त अफसोसनाक हैं, दहशतगर्द इस वक्त फिर एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो कुछ भी बलूचिस्तान में कल हुआ है। हाँ जी। और उसके तबाकुन असरात भी हमारे सामने हैं। हमें मेरे ख्याल से आज कोशिश करनी चाहिए कि हम ये ढूंढें कि ये बलूचिस्तान टारगेट क्यों है, बलूचिस्तान में सब कुछ क्यों हो रहा है। जी। पहली बात तो यह है कि रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, वसाइल इसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं दुनिया में कि बलूचिस्तान में वसाइल कितने हैं जो पहाड़ों में हैं। तो इस टारगेट होने की वजह हमें एक तो ये समझ में आती है, और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पर सी पैक जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी दुश्मनी किस किस के पेट में उसका दर्द है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। सबसे करीबी जो हमारे हमसाए जो भारत, उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है, विच इज़ ट्रू। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर ये कमीशन हो जाता है तो ये वाकयातन गोल्ड माइन है। अब ये नहीं होने देंगे हमारे भारत को, तो छोड़ देना जो बाकी हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन 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 है, उन सब के पेट में दर्द होता रहता है, और वो इसे नाकाम बनाने के लिए तखरीबकारी, दहशतगर्दी, इस किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, अजीत दोवल साहब एक होते हैं हिंदुस्तान में जो कौमी सलामती के मशीर थे, अब रिटायर्ड हैं। उन्होंने एक सेल कायम किया है, डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन उसका, उसकी फंडिंग है हर साल भारत की हुकूमत की तरफ से, ठीक है जी। लिहाजा वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है सी पैक को, और सी पैक को टारगेट करने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए उन्होंने, चीनी इंजीनियर्स का हवा किया, चीनी इंजीनियर्स का कत्लेआम किया गया, कितने वाकयात हुए। पाकिस्तान और चीन के बीच इसके हवाले से अब एक अथॉरिटी बन गई है, जो सिक्योरिटी अथॉरिटी बनी है, वो हम तवक्को करते हैं कि इन इस किस्म के वाकयात दोबारा नहीं होंगे। लेकिन कोई मौका जो है वो भारत ने नहीं जाने दिया है, जो ये जो अलहदगी पसंद तरीके हैं
उसकी मुकम्मल लीडरशिप तीन बड़ी तंजीमें हैं भारत में, उनके लोग जो हैं क्यादत भारत में बैठी हुई है, भारत के ही पासपोर्ट्स पर वो दुनिया भर में सफ़र करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर उनके स्लीपर सेल्स हैं। जब अफगानिस्तान में हुकूमत तालिबान की कायम नहीं हुई थी तो स्पिन बॉल्दे के एक इलाका है, वहाँ NDS जो अफगानिस्तान की सीक्रेट सर्विस है, रॉ जो हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस है, एंड CIA, मज़ेमदारी से कह रहा हूँ, ये तीनों वहाँ पर बलूचिस्तान से फरार हुए लोगों को कैंपों में रखते थे, ट्रेन करते थे। दीज रियलिटीज़ हैव बीन रिकग्नाइज एंड आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप, रियासत की स्टेट की हुकूमत की कहीं पर कमजोरी है या कुछ आगे ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, क्या हो रहा है? लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि वो कभी भी हमारी तरजीहात में नहीं रहा। जो हकीकत है, वहाँ पर जो लोग आज बलूचिस्तान में हैं उनका आप लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, उनकी जो महरूमियाँ वो देख लें। हमें बलूचिस्तान को कौमी दायरे में लाना होगा। आज जो बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर जो बलोचों का रवैया है, उनका तो गिला ये है, हमें हमारा डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जाता, हमें शेयर नहीं दिया जाता। जहां तक बात है कि जिन लोगों ने ये जो वारदात की है, शहीद किया है हमारे लोगों को वहां पर, जाहिर है ये तो एक सोची समझी साजिश है, दहशतगर्द है। हुकूमत की तरजीहात अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में जंगल का कानून है, डाकू राज का नफाज है। एक तो सर ये ना बसा साहब मामला ये है कि अगर कोई नाराज है, किसी के ग्रेवेंसेज हैं, तो उसको दूसरों को कत्ल करने का कोई जस्टिफाई तो नहीं करता ना, अगर फर्ज करें महरूमियां हैं तो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। जाहिर है दहशतगर्दी है, लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के जो नाराज बलोच हैं, जो बेचारे अगवा किए गए, उनके जो 5-5, 10-10 साल हैं, वो लोग आज तक वो पेश नहीं किए जा रहे हैं किसी अदालत में। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। ये सब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। सवाल तो यहाँ पे यही पैदा होता है, क्या मारंग बलोच मजम्मत करेगी? और देखें प्रॉक्सीज की जंग है, BLA और BLF जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज है, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच यकजहती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। सो मिसिंग पर्सन तो एक ड्रामा है, जो देखें कि जो हैंडलर्स जो पीछे बैठे हुए हैं, जो उनको नैरेटिव्स देते हैं, ये अकॉर्डिंगली उसी को लेके आगे चलते हैं। और इसीलिए एक सिचुएशन ये क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका रिस्पांस जबरदस्त था, इट वाज टाइमली रिस्पांस, और फर्दर जो वहां पे नुकसान हो सकता था उससे महफूज किया।